नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला थाना बिदनू के अंतर्गत सेन पश्चिम पारा गोसाईपुरवा अड्डा गांव में सोनू नाम के युवक, जिसकी पत्नी कई दिनों से किसी दूसरे युवक के साथ प्यार मोहब्बत अजीबोगरीब बातों में डूबी हुई थी और फोन पर रात भर इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात करती थी। इस बात की भनक जब देवर आकाश को लगी तो उसने भाभी पर नजर रखी और कहीं से भाभी की जिस युवक के साथ रात भर प्यार मोहब्बत की बात होती थी उसकी मोबाइल रिकॉर्डिंग देवर आकाश को मिल गई। फिर क्या था, फिर भाभी के परिवार वालों को सब प्रेम प्रसंग वाली बात बता दिया। ये सुनते ही भाभी के पिता ने कहा कि मेरी लड़की कभी कभी प्यार मोहब्बत में बहक जाती है। बात तो सही है, लेकिन फिर भी आकाश के इन कृतियों से परिवार के लोगों को ठेस पहुंची और भाभी के पिता एवं भाई ने मिलकर देवर आकाश को बहुत बुरी तरह मारा। साथ ही देवर आकाश ने किसी तरह जान बचाकर खुद को सुरक्षित किया। तभी गांव के लोगों ने 112 पर सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों भाई आकाश एवं सोनू और लड़के के पिता को लेकर थाने ले आई और उचित कार्रवाई कर मामले में छानबीन में जुट गई है। बड़ी बात तो यह सामने आई है कि जब थाने पहुंची भाभी का प्यार मोहब्बत सब हवा हो गया था और सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर बिदनू थाना लेकर आई और कार्रवाई में जुट गई है। आकाश क्या हो गया, क्यों, कैसी स्थिति थी? भैया को देखने आए थे यहाँ पे सुबह से गए। कहाँ पर देखने आए थे, कौन सा गाँव है ये? गाँव नहीं पता है, कौन सा गाँव? गोसाईपुर देखने आए। किस थाने के अंतर्गत है? बिदनू। चौकी कौन सी लगती है? सेन लगती हुई। अच्छा, तो क्या हुआ फिर उसके बाद? हम यहाँ से जा रहे थे, भैया बैठे थे तो हमने कहा बैठे हैं चलो अपने ससुरारी में, तो हम जा रहे थे पीछे बैठे थे और दो दोस्त थे हमारे, तो हमने पीछे से खींच लिया और घसीटते हुए लाए हमारे ससुर उनके भैया के साले और यहाँ पे छाती मारे, ट्यूनी पकड़ के लाटते मारा। कितनी देर मारे? बहुत देर मारे, जब भागा करान तो लगे नहीं कुछ डंडा या चेला लेके गुप्ते कौन फूल हाँ, हाँ, हाँ,